भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं बिजली की बेहताशा कटौती और लो वोल्टेज की समस्या लोगों को रुला रही है। अंधाधुंध विद्युत कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। मामला रतिया का है, जहां गर्मी के मौसम में बार बार बिजली बाधित होने से परेशान हुए लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की। ये मुद्दा ही वार्ड नंबर 2 के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, काफ़ी लगभग 30-40 साल के करीब, गुरुद्वारा के पास, चक्की के पास। और वो अब जो पहले घर थे वो सभी का लोड भी बढ़ चुके हैं और घरों की संख्या, लोगों की संख्या, उपकरणों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफार्मर छोटा है और लोड ज़्यादा है। लोड ज़्यादा होने की वजह से वो ट्रांसफार्मर चल नहीं पा रहा और रूटीन में डेली उसका जो फ्यूज़ है वो उड़ जाते हैं और हम डेली एप्लीकेशन कंप्लेंट सेंटर में फ़ोन करते हैं और वो रोज़ सुमार उसको ठीक करके आते हैं। लगभग 11 तारीख को हमने शहीद भाग सिंह नौजवान सभा की लेटर पैड पे एप्लीकेशन दी थी SDO साहब को और इन्होंने JEE के नाम मार्क की थी, परंतु अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं उस पर हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम आज SDO साहब से मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर जो है ट्रांसफार्मर वो लग जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो बुधवार को हम जहाँ पर बिजली बोर्ड में SDO साहब के गेट के आगे धरना देंगे। अगर हमारी जो मांग है वो नहीं मानेगी तो हम बुधवार से जहाँ पर धरने पर बैठेंगे, क्योंकि जो प्रशासन है उसको जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा दिन है जो लगा दिए इसके अंदर और लोग गर्मी का मौसम होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वहीं निगम के अधिकारी ने बताया कि वार्डवासियों की समस्या को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर वहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हुई तो तुरंत लगवा दिया जाएगा। भाई एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, बार बार कह रहे थे फ्यूज उड़ रहा है, ओवरलोड बता रहे थे ट्रांसफार्मर, वो मैंने JEE को कह दिया है, उसको चेक करवा के अगर ओवरलोड होगा तो उसकी प्रोसेस वैसे चल रही है हमारी, दूसरा एक ट्रांसफार्मर एडिशनल लगाएंगे हम वहाँ, तो उनको बोल दिया 2-3 दिन के अंदर अंदर लगवा देंगे वो ट्रांसफार्मर। तो ये 2 दिन तक हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल करवा देंगे, हम ख़त्म कर रहे हैं वैसे, जहाँ जहाँ ओवरलोड हम कर रहे हैं तो अलग से ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं हमारे। लोगों की माने तो उनके इलाके में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी क्षमता कम होने और इलाके में लोड अधिक होने के कारण बार बार सप्लाई बाधित हो जाती है। उन्होंने कहा कि वो निगम से बार बार उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग कर चुके हैं, मगर निगम की ओर से उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। वार्ड वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।